السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الإمام النووي رحمه الله باب مناولة الأكبر قال الإمام مسلم بن حجاج النسابوري رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوق بسواك اراني في المنام اتسوق بسواك فجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر

सबसे अदीम और बड़ा है उससे बढ़कर कोई नहीं है जिसने हम सब के लिए इस्लाम को दीन बनाकर नाजिल किया और आने मजीद को उतारा जिसमें उसके अकाम और हिदायत हैं सुफान अल्ला मदमाशाह हूँ सुफा अल्लाहमदी हू। सुहान अल्लादीन सलात सलाम हो इसके बाद अनगिनत बेशुमार ला महदूद अल्लाह के आखरी नबी इमाम अम्बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी पर कि जिन्होंने अपनी अहादीत मुबारक में इस्लामी आदाब को बयान फरमाया है اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्लाह मबारकल महमदा महमद का मबारक तबरिमरिमीद हमदो सलाद के बाद आज सोलह रबी अला चौदह सौ बयालीस फिजरी मुताबिक दो नवम्बर दो हज़ार बीस ईस्वी आपकी खदमत में हदी शरीफ का दरसपेश है सही मुस्लिम की किताब जहद और रक़ाय के अदीत हम पढ़ रहे हैं आज जो बाब लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसको इमाम नवी रहमत ला ने बांधा है वो है बाबू मुनावलतुल अकबर के मजलिस में बड़े हों तो बड़ों को पहले देना कोई भी चीज़ चाहे वो खाने की पीने की या इस्तेमाल की चीज़ है वो बड़ों को पहले देना जो मजलिस के आदाब में से है हदीस नक़ल की इमाम मुसलिम रहमत की सनत इमाम मुसलिम रहमत अपने उस्ताद अपने शेख नसर बिन अली अल्ज हबमी रही से रिवायत करते हैं और हज़रत नसर बिन अली अल्ज हदमी राहल्ला अपने वालद अली अल्ज हबमी से रिवायत करते हैं और वो हज़रत सखर रहमत रिवायत करते हैं सखर अबिन जवेरिया से और वो हज़रत नाफ़े जो मशहूर ताबई और उमर के मशहूर शागिद हैं नाफ़े रहमतुल्लाह से रिवायत करते हैं वो उमर अब्दुल्ल बमर रहा जो सहाबी रसूल है उनसे इस हदीस को रिवायत करते हैं उमर अब्दुल्ल बमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रिवायत करते हैं कि अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं मिसवाक कर रहा हूं तो अचानक मेरे सामने दो आदमी आए मेरे सामने से दो आदमी गुजरे दो आदमी आए उन दो आदमियों में एक आदमी बड़ा था दूसरा आदमी छोटा था उम्र के अतबार से एक बड़ा शख्स था एक छोटा शख्स था तो मैंने मेरे हाथ में जो मिसवाक थी जो मैं मिसवाक कर रहा था मैंने दोनों में से छोटे को दिया दोनों में से जो छोटा था आदमी छोटा मतलब उम्र में छोटा उसको दिया मैंने फ़कील अली मुझसे कहा गया कब्बर बड़े को दीजिए तो मैंने मिसवाक बड़े की तरफ थमाई या बड़े के हाथ में थमाई बड़े को दे दिया इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने किताब जहद में रतज किया और इमाम बुखारी रहा ने भी मकन इसको जिक्र किया है इस हदीस में प्यारे नबीसम अपने ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं अभी आपने जैसे सुना खब का एक वाया क्या वाकया मुख्तसर सा वाक्य जिसमें बड़ी तालीम है बड़े आदाब हैं क्या वाकया वसल्लम खाब में देखते हैं कि मसवाक फरमा रहे हैं और आपके सामने दो लोग आए एक बड़ा एक छोटा तो अल्लाह के नबीम ने मिसवाक को छोटे के हाथ में थमाया छोटे को दिया तो आपसे कहा गया कि आप बड़े को दीजिए तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने अमल किया उस हुक्म पर और बड़े को दे दिया इस हदीस में इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको किसने हुक्म दिया था कि आप बड़े को दीजिए अब्दुल्ला बिन मुबारक रही की जो रिवायत है एक दूसरी सनत उसमें उस बात का जिक्र आया है कि वह जबरी जिन्होंने यह हुक्म दिया कि आप बड़े को दीजिए तो अल्लाह के बड़े को दिया इस हदीस में इस बात का भी जिक्र नहीं है न किसी और रिवायत में कि ये दोनों आदमी आपके दाएं थे या बाएं थे आपके राइट साइड आपके लेफ्ट साइड या उनमें से एक दाएं था एक आदमी बाएं था इसका कोई जिक्र किसी भी रिवायत में नहीं है बस हदीस में इस बात का जिक्र है कि आपको हुक्म दिया गया कि आप बड़े को दे ये अल्लाह के नबी वसल्लम का ख्वाब था और आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा कि पैगम्बरों तस्लीम के खाब सच्चे होते हैं इब्राहिम का ख्वाब देखिए आप जो कुरान में मौजूद है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उसका जिक्र मौजूद है तो पैगंबरों के खाब हमारे नबी नबीम ने भी बहुत सारी चीजें ख्वाब में देखी हैं तो मालूम होना चाहिए कायदा है है प्रिंसिपल एक बात कि पैगंबरों के सारे ख्वाब सच्चे होते हैं पैगंबरों के अलावा उम्मतियों में खाब सच्चे भी हो सकते हैं झूठे भी हो सकते हैं खाब नहीं है हमारा कि जिस पर जिक्र करें बहुत पहले दावा सेंटर में हमने एक बयान दिया था हमारे दावा सेंटर में आ, खाब इस्लाम की नजर में और यूट्यूब पर अपलोडेड है वो बयान आप वहां जाए इस मौजू को वहां आप तफसी कर सकते हैं खाब इस्लाम की नजर में ये उसका मौजू है तो अल्लाह के नबी ने सब देखा और खावा आपका बिल्कुल सच्चा था खाब में आपने मिसवाक किया और मिसवाक प्यार की सुन्नत है यह मिसवाक जो नबीलाम ने किया जो आप ने खाब में देखा आप बेदारी की हालत में भी सुबह शाम बल्कि अक्सर औकात मिसवाक किया करते थे नमाज से कबल या घर में दाखिल होने होते वक्त प्यारे नबी असलम का मिसवाक हमें हदीसों में मिलता है आपकी तालीमात में से और ये फितरत में से है नबीम ने हदीस में भी जिक्र किया फितरत की कुछ चीजें हैं उनमें से एक मिसवाक मिसवाक की फीलतें हदीसों में वारद हुई हैं कि इससे जो है रब की रजा होती है और मैदे की सफाई होती है और मुँह की बू बदबू या क्या कहते हैं उसको स्मेल बुरी स्मेल, वो ख़त्म होती है तो ये सब मिसवाक के फवाद में से है और इसमें कोई शक कोई शक नहीं है कि मिसवाक एक बेहतरीन चीज है ये जो मिसवाक जिसका, जिसका जिक्र इस हदीस में है कि आपने किया ये एक दरख्त होता था जिसको अरबी अरबी में कहते हैं आज भी मौजूद है वो दरख्त अराक और वहीं से मिसवाक लाकर आपको जो बेची जाती है आपने देखा ना वो जो पैकेट में होती है उसकी बात नहीं वो नहीं हमें नहीं पता लेकिन जो आप लंबी लंबी छड़िया मिसवाक की देखते हैं जिसको खट करके मस्जिदों के पास आपने देखा होगा लोग देते हैं मिसवाक होती है ना तो इसको जो है अराक कहते हैं अराक ठीक है जिसको आ, इसका एक दरख्त होता है उस दरख्त से ये मिसवाक निकाली जाती है जो मिस्रम ने, ने भी किया है और वही सुन्नत भी है उसको उर्दू में क्या पीलू का दरख्त पीलू या पीलू उर्दू में उस दरख्त को जिससे मिसवाक बनाई जाती है या उसको पेलू या पीलू का दरख्त इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वही है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में मौजूद है और अल्लाह के नबी वसलम मिसवाक वही किया करते थे तो मिसवाक की फजीलत इससे मालूम हुई यहाँ जो असल मौजू है मजलिस के आदाब और बड़ों को देना इस हदीस से मालूम हुआ कि मजलिस में आपके सामने अगर बड़ा भी है छोटा भी है बड़े भी हैं छोटे भी हैं तो आप बड़े को देंगे छोटे को नहीं ठीक है चलिए इसके अलावा और भी रिवायतें हैं जो इस मसले को बताती हैं जैसे कि एक रिवायत में है कि कब्बर कब्बर बड़े से शुरुआत करो बड़े से शुरुआत करो गलत फहमी यह है लोगों में आम तौर पर कि मजलिस में बड़े हों छोटे हों राइट साइड से शुरू करना आपने सुना होगा देखा भी होगा कि जो दायने तरफ है उनसे शुरू करना बड़े से नहीं मजिद में आपके वालिद बैठे हुए हैं मज्जिश में कोई आपके बुजुर्ग बैठे हुए हैं आलिम-दीन बैठे हुए हैं आरिफ साहब बैठे हुए हैं तो आप क्या करते हैं यह आमतौर पर समझा जाता है दायने से और इसको हर जगह हर हाल में चाहे जो है सलाम करना हो मजलिस में कई चीजें होती है ना भाई एक मजलिस बैठी हुई थी आप दाखिल हुए आपको सलाम करना है मिलना है तो आप दाहिने तरफ से शुरू करेंगे अच्छा मजलिस बैठी हुई है आप जो है गाहवा लेकर आए यहाँ का एक तरीका है चाय लेकर आए मजलिस में भाई मेहमान बैठे हुए हैं घर में मजलिस में आप चाय लेकर आए तो आप क्या करेंगे पहले वालिद बैठे हुए हैं सामने या बुजुर्ग बैठे हुए हैं कोई आलिम दीन मेहमान है आप जैसे आमतौर पर जो जहन है राइट साइड से शुरू करना राइट में जो भी होगा भाई बच्चा बेटा आप पहले उसको पिलाएंगे और उसको शुरू करेंगे इसी तरीके से हर जगह इसको फिट किया जाता है क्या राइट से शुरू करना और यही सुन्नत है समझा जाता है आप अगर हदीसों को पढ़ें अभी ये हदीस देखिए इस हदीस में बड़े को देने का हुक्म दिया गया दाहिने तरफ वाले को नहीं है यहां अगर आप रिवायत और अल्लाह के नबीम के सहाबा प्यारे नबीसलम बैठे होते अपने सहाबा के साथ कोई आते दाहिने तरफ से शुरू नहीं करते पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते उसके बाद दाहिने तरफ से कोई चीज देनी होती अता करनी होती कोई चीज खाने की पीने की तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज किया जाता और इस किस्म की और भी रिवायतें मौजूद हैं जिससे मालूम होता है कि बात कुल्ली तौर पर यह नहीं है अमूमी तौर पर कि हर मजलिस में हर जगह आप दाहिने तरफ से ही शुरू करेंगे बड़ों से शुरू नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है बल्कि मसले को समझना है वो हदीस है मैं आ रहा हूं मैं कि प्यारे नबी सलम बैठे हुए थे आपके दाएने तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हुए थे नबी नबीम के दाएने तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हुए थे बाएं तरफ अबू बकर बैठे हुए थे और बड़े बड़े साहबा बैठे हुए थे नबी सलाम ने दूध का प्याला मंगाया तो नबी को पहले दिया गया जो कि बड़े हैं अब नबी से उसके बाद देना है बैठे हुए हैं नबी नबीम तो आप हक कर... दाने तरफ वाले का बिन अब्बास तो अल्लाह के नबी वसल्लम और तमाम साहबा को यह बात मालूम थी कि साहबा में सबसे ज्यादा मुकाम और मरतबा किसका है अबू बकर वो कहां बैठे हुए थे नबीलम के लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे तो अल्लाह के वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा कि अगर तुम इजाजत दो हक तुम्हारा है तुम मेरे दायने तरफ बैठे हो मैं तो पी लिया मैं तो पी लिया दूध अब हक तुम्हारा है या आपका हक है कि आपको मैं दूं जो मेरे दाने तरफ बैठे हुए हैं आप समझ रहे हैं बात को दाइने तरफ बैठे हुए हैं अगर आप इजाजत दो तो मैं अबू बकर दूंगा क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह मेरे बाएं तरफ बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं आपके झूठे को खुद पहले पीऊं मैं अपने आप पर किसी और को तरजीह नहीं दूंगा तो अल्लाह के नबीम ने कहा ठीक है ले लो पी लो नबीम ने, ने उनको दे दिया ये भी एक वाक है एक और एक वाकया है उमर इब्ने खत्ताब का बैठे हुए थे अल्लाह के नबी नबीम के दाएने तरफ एक बद्दू दाइने भी बैठे हुए थे और लेफ्ट साइड पर नबी नबीलम के बड़े बड़े बुजुर्ग साहबा बैठे हुए थे अबू बकर सिद्दीक और दीगर बड़े साहब वहां अभी नबी सलाम ने प्याला पहले उनको दिया किसको बद्दू को, को, तो उमर बिन खताब ने कहा, बकर उस से कहा मतलब वो बुजुर्ग हैं बड़े हैं और उनकी फजील तमाम सहाबा के तो ये भी एक वाक मौजूद है तो हदीसों को जब जमा किया गया तो अहलेन ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई बताया कि ऐसा नहीं कि हमेशा दायने तरफ से शुरू किया जाएगा मामला नहीं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर अगर लोग बैठे हुए हैं देखिए कैसे हदीसों समझाया कि अगर मजलिस बैठी हुई है जिसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं और आप जो है उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं या आपको चीज देनी है आप बाहर से आए हैं या आप घर वाले हैं आप ला रहे हैं जैसे खजूर लाए आप बिस्किट लाए चाय लाए प्लेटें लाए मिठाई ले आए कोई भी चीज तो आप कहां से शुरू करेंगे बड़े से। उस मजलिस में जो सबसे बड़े हैं खास तौर से कहा गया जैसे आपके वालिद अगर हों तो वालिद से शुरू करेंगे कोई आलिम, मुफ्ती कारी बैठे हुए हैं वहां पर है, उनका मुकाम है। ने बाप बांधा है बाकायदा इक्राम ने किताबों में जहां आदाब का जिक्र है वहां बाप बांधा गया तकदीम उल अकबर वह उल फल वाले फजिलत वाले बड़े लोग जो उम्र में है उनसे शुरू करना बाकायदा बाम बाधा गया और हदीस कोट की तो अगर आप आते हैं आपको देना है तो आप पहले बड़े से शुरू करेंगे सलाम करना हो तो सलाम आम है एक तो ठीक है मजलिश में आ गए वालेकुम वरहतल लेकिन अगर आपको हाथ मिलाना है या जैसे जो है तकरीम होती है तो आप पहले बड़ों से शुरू करेंगे या कोई चीज देनी हो तो आप पहले बड़ों से शुरू करेंगे एक दूसरे दूसरी शक्ल आप बैठे हुए हैं आपको कोई चीज दे दी गई आप बैठे हुए हैं जैसे मैं इसको बताऊ अलैहिस्सलाम ने प्याला तलब किया था दूध का तो अच्छा मजलिस बैठे हुए तलब किया हाँ है चाय जरा ले चाय। या पानी ले आइए थोड़ा सा पानी तलब किया चाय तो तलब करने वाला शख्स मजलिस में बैठा हुआ है एक जगह दाएं बाएं सामने किसी जगह पर बैठा हो अब आप लेकर आए एक चाय नहीं कई लाए हो सकता है किसी और को भी जरूरत पड़ जाए उन्होंने मांगा मिसाल के पर। आपने और कुछ आए। प्लेट में मुताल किया है? समझा गया है। जिसने तलब किया किसने तलब किया मिसाल के तौर पर हामिद भाई है हामिद भाई ने कहा भाई जरा शेख साहब जरा बिस्किट दीजिए मेरे घर आए बैठे सब लोग बैठे उन्होंने कहा उस्ताद जरा बिस्किट दीजिए अब मैं आया खान साहब भी हैं आमिर भाई भी हैं फलां भी हैं अब्दुल्ला भी हैं उमर भी है अबू बकर भी है भाई भी हैं फलां भी हैं मैं किसको दूंगा पहले हामिद हामिद को दूंगा या दूसरों को दूंगा मैं हामिद को दूंगा पहले क्यों हामिद ने तलब, कि, तलब किया था बिस्किट हामिद ने तो जो शख्स मुतालबा करता है उसको पहले दिया जाए अच्छा इनको मैंने दे दिया ये उनके सामने रख दिया लीजिए खाई अब उसके बाद ये किसको देंगे दाएं को बैठा हुआ शख्स जैसे नवी स्लम का तरीका है हदीसों पर गौर कीजिए नबी सल्लम को दिया गया नबी सल्लम के दाए बाएं बैठे हुए थे लोग दाएं अब्दुल्ला और, और इस तरफ बाएं कौन अबू बकर हदीस दूसरी हदीस में बदू बैठे हुए थे आरा भी तो नबी अरे इजाजत भी मांगी वहां भी गौर कीजिए कहते हैं इजाजत क्यों मांगी क्योंकि बड़ों का मुकाम होता है अब्दुल्बिन अब्बास से इजाजत मांगी के देखो बैठे छोटे थे उस वक्त हफ तो तुम्हारा है तो मेरे दाएं बैठे हो मैं तो पी लिया दूध तुम्हें मुझे देना है लेकिन तुम अगर इजाजत दे दो क्योंकि मेरे बाजू जो है इस तरफ लेफ्ट साइड पर बाएं अबू बकर सिद्धि कर दे तो बैठे इजाजत दे दो तो प्याला उनको दे दू पहले क्यों इधर देना था ना इजाजत क्यों मांगी बड़ों का मुकाम है बड़ों का अदब है लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी तुमने भी सुन वैसे आरा भी तो उलमा ने बताया इस तरीके से अगर आप बैठे हुए हैं मजलिस में आपको दिया गया तो आप दाएं तरफ

मूमी तौर पर मसला ऐसा नहीं है कि हमेशा राइट साइड से शुरू करना अब जैसे बैठे हुए हैं सलाम करना है या हाथ मिलाना है आपके सामने एक बड़े आलिम है नहीं राइट साइड से शुरू करना है बाद लोग ये समझते कि हर चीज राइट साइड से शुरू करना है चाहे हाथ मिलाना हो पानी पिलाना हो खिलाना हो पिलाना हो या कोई चीज देनी हो ठीक है ऐसी बात नहीं है बल्कि हालात के हिसाब से मजलिस के हिसाब से मसाइल को जिक्र किया मुतलकन ऐसा नहीं है मुतलक़न यानी हमेशा ऐसा नहीं है बल्कि सही बात तो यही है कि बड़े से शुरू किया जाएगा बड़े के बाद दाएं से शुरू किया जाएगा तो बड़े से आपने शुरू कर दिया उसके बाद जो आपके दाएं हैं राइट साइड पर है उनसे आप शुरू करेंगे ये मतलब है ये तालीम है अल्लाह के नबी की जैसा कि हदीसों को इकट्ठा करने से या हदीसों को जमा करने से यह मसला हमें मालूम होता है और भी मुख्तलिफ मिसालें दी और कराम जैसे कि मैंने तो दे दिया आपको मिसाल जैसे घावा का प्याला लेकर आए या चाय का डल्ला घावा का डल्ला लेकर आए या चाय आप खेतली में लेकर आए और पिलानी है तो आप पहले बड़ों को दे देंगे उसके बाद उनके दो दायने तरफ हैं उनसे जो या आपके उसके बाद जो पहले बड़े को दे दिए और उसके बाद आपकी जो दाएं तरफ है उससे शुरू करते हुए ऐसे पूरी सफ में जो है आप आ, वो देते रहेंगे क्या चाय या जो भी चीज़ आपको देनी हो तो इस तरीके से ये मजलिस का अदब है जो अहिल ने जिक्र किया है इससे बड़ों का अदब बड़ों का मुकाम भी हमें मालूम होता है इस्लाम ने बड़ों का मुकाम बयान किया है बड़ों का अदब बयान किया है इस्लामी आदाब हैं जो किताब व सुनने से साबित हैं कराम ने बाप बांधे हैं अखलाक के आदाब के जो शर्य तौर पर साबित हैं कुरानी आयात में भी चाहे वो वालदेन के साथ हो अदब या अपने से बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं उनका अदब आप देखें बहुत सारी सिलसिले में नसूस हैं एक हदीस मुझे याद आ रही है मैं आपको वो हदीस बताऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इन मिन इजलाल तआला देखिए इन मिन इजलाल अल्लाह तआला इकरामु धिशयबतिल मुस्लिम यकीनन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की इजलाल में अल्लाह की तोकीर में अल्लाह के अदब में अल्लाह के एहतराम में यह है कि तुम बूढ़े मुसलमानों का अदब करो अल्लाह जिनके बाल पक चुके हैं बुढ़ापे की वजह से वो मुसलमान जो जिनके बाल उम्र क्या तकाजा है इसलिए पक चुके हैं सफेद हो चुके हैं उम्र की वजह से बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनके सर के बाल उनकी दाढ़ी के बाल पक चुके हैं सफेदी आ गई है बुढ़ापे की वजह से तो उनका इज, उनकी इज्जत उनका अदब उनका एहतराम अल्लाह का एहतराम है अल्लाह का एहतराम है तो इससे मालूम होता है शरीयत इस्लामिया ने इस बाब में बड़ी ता, सख्त तालीम दी है कि अपने बड़ों का अदब करना और दुनिया में अगर कोई कहीं से आपको ये अदब बड़ों का मिल सकता है तो वो सिर्फ किताबो सुन्नत से मिल सकता है मैं भी स्कूल गया कॉलेज तो नहीं गया मैं स्कूल गया मैंने साइंस पढ़ी मैंने मैथ्स पढ़ी मैंने फिजिक्स पढ़ी मैं आपके समय लेकिन मैंने इस्लामी आदाब बड़ों का अदब और एहतराम न सोशल स्टडीज में मैंने पढ़ा न साइंस में मैंने पढ़ा न इंग्लिश में न तेलुगु में न हिंदी में मैंने पढ़ा इसको मैं पढ़ा तो मालेगा में मैं पढ़ा जब जामे मोहम्मद या मंसूरा हम गए वहाँ हमने हदीस की तालीम हासिल करने शुरू की अल्लाह जजाय खेर दे, दे महोतरम बैठे हुए हैं अल्लाह उनको जजाय खेर दे जिन्होंने मेरा दाखिला वहाँ करवाया मुझे पढ़ाया हम जब गए मदरसा जिसको मदरसा कहते हैं अहल एल इल्म की सोहबत में रहे इसलो ज खैर फरमा जजाय खैर फरमाए जिन्होंने हमें पता पढ़ाया कुरान तर्जुमा और तफसीर हदीस पढ़ाई गुल हम पढ़े हाँ? और हदीस से हम जब पढ़नी शुरू किए तो हमें मालूम हुआ कि इस्लाम में बड़ों का बहुत बड़ा मुकाम है। अदब है वालिदें का, बड़ों का, है, अखलाक है जो इस्लाम ने हमें दिए हैं याद रखना अल्लाह तबारक ने जो किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई है कुरान मजीद उससे आपको अदब मिलेगा उससे आपको अखलाक मालूम होंगे कि अखलाक है क्या चीज अखलाक कोई सब्जेक्ट कहीं आपने देखा है किसी स्कूल में अखलाक का कोई सब्जेक्ट होता है कैरेक्टर का नहीं होता है आमतौर पर आमतौर पर यह सब्जेक्ट बाकायदा पढ़ाना चाहिए लेकिन मदरसों में आप देखिए या हदीस की किताबों में आप देखिए बाकायदा चैप्टर है इसका आदाब अखलाक जैसे अभी हम मसला पढ़ रहे हैं मजलिस का अदब तो मजलिस के कुछ आदाब होते हैं ये आदाब कब मालूम होंगे कि बड़ों से शुरू करना अब ऐसा ना हो बच्चा जो है आपका जो है इस्लाम ना पढ़े इस्लामी अखलाक नहीं मालूम इस्लामी आदाब नहीं मालूम तो होगा क्या बच्चे से आमतौर पर बच्चों से मंगाते हैं ना चीजें खाने पीने की घर में बच्चे ही लेकर आते हैं चाहे चाय लेकर आए केक लेकर आए बिस्किट लेकर आए अलबेक लेकर आए या कोई भी चीज खाने पीने की लाए तो बच्चे लाते हैं अगर उनको इस्लामी अखलाक न पढ़ाए जाए इस्लामी आदाब ना सिखाए जाए तो दोस्त को पहले देगा वो अब्बा को बाद में देगा अब्बा को दादा को नाना को या उस्ताद भी अगर हो उस मजलिस में उनको नहीं देगा पहले वो देखेगा मेरा दोस्त मेरा यार वहां बैठा हुआ है पहले उसको दे दूंगा क्योंकि उसका दोस्त है उठना बैठना उसके साथ खेलना कूदना है तो उसको पहले दे देगा वो क्यों दोस्तों वो भी कहेगा अच्छा अच्छा किया मैदान में मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा फुटबॉल खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए जैसे तुमने मेहमान खाने में दीवान खाने में हमारे यहाँ दीवान खाना बोलते हैं दीवान खाने में तुमने मजलिस में मेरा ख्याल किया था लेकिन इस्लाम अगर बच्चे को पता हो अखलाख इस्लामी मालूम हो तो वो पहले बड़ों से शुरू करेगा और फिर उसके बाद दायने से शुरू करेगा तो बड़े और दायने इस्लामी आदाब में से ये चीजें हमें मिलती हैं लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारे बच्चों को सब मालूम अदब नहीं मालूम हमारे बच्चों को सब मालूम अखलाक नहीं मालूम वाले दिन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तालीम दें अखलाक की बड़ों के अदब की स्पेशली बल्कि आपको हैरत होगी आप खुद जायजा लेशरे का बच्चों में बड़ों को लेकर बदखलाक ही है बहुत ज्यादा बदतमीजी जिसको कहते हैं आज आज जो है एक शिकायत घरों में बहुत है बच्चों की बच्चे बदतमीज हो गए हैं सही है या नहीं बदखलाक बड़ों का अदब नहीं रहा बड़े तो दूसरे छोड़े दूसरों दूसरे जो बड़े हैं जो आपके घर मेहमान आए उनका अदब करना है यहां हालत तो इतनी बुरी है हालत तो इतनी बुरी है है कि अपने बड़े जो वालिद उनका अदब नहीं है खुद के बड़े लड़का माँ बाप का अदब नहीं करता है। लड़की बच्ची माँ बाप का अदब नहीं करती है चे जाए के वो दूसरों दूसरे बड़ों का अदब करे यह हाल है ये हाल है हमारे बच्चों का क्या हो गया ये बच्चे जो बदतमीज हो गए हैं बद अखलाक हो गए हैं क्या करें तो कहते कोई दुआ हो तो सिखाए कोई आयत है क्या मोल साहब शेख साहब कोई आयत है क्या के पढ़ के फूक दू बच्चे पर तो बच्चा बा, बाखलाक हो जाए बा अदब हो जाए आयतें नहीं है आयतें जरूर हैं और वो तरबियत के आयत है आयत जरूर है हदीस से जरूर है तालीम के लिए तो बच्चों को जो है तालीम और तरबियत जरूरी है अल्लाह के नबीम बहुत सारे इसके वाकयात है हसन या हुसैन दोनों में से कोई एक नवा हैं नबी नबीलम के सदक़े का खजूर था लेकर बच्चे थे छोटे हसन या हुसैन वो खजूर लेकर मुंह में रखे उनको नहीं मारो। तो प्यारे नबीलम ने फरमाया कख कख क्या फरमाया क अरबी में उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चे को बच्चे को अगर ये बताना है छोटा बच्चा है मुंह में जो तुम लियो उसको फेंक दो क्या बोलते हैं मुझे जो मालूम है थू थू बोलेंगे तो बच्चा समझ आएगा थू, थू बोल रहे है। खाना नहीं है तो अल्लाह की क्या फरमायादका के, थू, थू. के लिए जायज नहीं था सदके के खजूर हो या सदके की कोई भी चीज हो प्यारे वसल्लम और आपके अहलोल के लिए आले बैत के लिए जायज नहीं था अच्छा वो छोटे बच्चे उनको क्या मालूम नबी वम की तरबियत है नबी वम की तालीम है कि वो मुंह में लिए तो थू इसका मतलब ये खजूर खाने नहीं है इसका मतलब ये खजूर खाने नहीं है ऐसे बहुत एक एक है मुझे याद ऐसे आप देखें नबी वम की तरबियत बच्चों को लेकर या गुलाम ए, आ, वो भी मशहूर हदीस है ना कि एक मतब कौन से साहबित थे जो खाना था और, आजकल तो खैर हर एक की प्लेटें अलग अलग होती हैं लेकिन आप बल्कि आज भी अरबों में यह चीज है कि एक थाली में या एक प्लेट में सारे लोग बैठ कर खाते हैं तो जब सारे लोग खाएंगे तो अदब क्या है कहां से खाना है जहां जहां भोटी नजर आ रही वहां वहाँ हाथ डालना है जहां जहां भोटिया नजर आ रही वहां वहां हाथ डालना है नहीं सामने से खाना मशहूर हदीस या गुलाम सम मिल्ला बताओ हाँ। बच्चों को याद दिलाते हैं हदीसें या गुलाम सम मिल्ला वकुल

बच्चों बच्चे बड़ों को देखते हैं और हमारे पास वो भी मसला खैर बताया कई मरदा झूठा है हाथ हैदराबाद का झूठा फर्स्ट उर्दू में क्या है नहीं पता मुझे कराची में क्या बोलते झूठा ही बोलते हैं चलो में भी झूठा है तो इसका मतलब आम है हम समझे हमारे पास का मसला है हाथ झूठा है मतलब हाथ में सालन लगा है हाथ में चावल लगा है हाथ में जो है तेल लगा हुआ है या हाथ में जो है मसाला लगा हुआ है तो क्या करना उल्टे हाथ से पीना या उल्टे हाथ से खाना दोनों चीजें खानी चिकन का पीस लेना है इससे चावल खा रहे इधर चिकन का पीस फ्राई फ्राई चिकन खाइए सर्दी के चीज आ रहे गर्म गर्म पकाइए अच्छा तो लेकर जो है आप उल्टे हाथ से खा रहे हैं क्यों यह हाथ झूठा है इसलिए गलत तो बड़े भी करते हैं। बच्चे भी देखते हैं बच्चे भी सीखते हैं गलत कुछ भी खाएं चिकन खाएं मटन खाएं फिश खाएं गंबरी खाएं कुछ भी खाएं सीधे हाथ से खाएं उसको पकड़ के सीधे हाथ से खाएं पानी पीना है सीधे हाथ से पिए कुल नबी ने फरमाया बेटे सीधे हाथ से खाओ अल्लाह का नाम लो

बड़ों से शुरू करना मिसवाक आपको देना है आपके सामने अगर बड़े हैं तो आप पहले बड़े को देंगे मिसवाक आपने कई मिसवाक है मिसाल के तौर पर आपने बड़े को दे दिया अब वो जो है जैसे शकील भाई बैठे हुए हैं तो शकील भाई अबू बिलाल को पहले देंगे यहाँ हामिद भाई है हामिद भाई से दोस्ती ज्यादा होगी इनकी यकीन लेकिन ये दोस्ती ये बैठे हुए हैं तीनों अब मेरे शकील भाई के दाने तरफ जो है अब बिलाल बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड पर हामिद भाई है तो वो हामिद भाई को नहीं देंगे अबू बिलाल को देंगे ये तरीका जब बैठे हुए हैं और आपके पास कोई चीज़ पहुंचा दी गई है लेकिन आप आए आपको देना है चीजें आपको देनी है चीजें तो तब तो जो है आप बड़ों का ख्याल करेंगे इसी तरीके से और एक फायदे की बात किया, 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 है, है। तो किया है अब वो मिसवाक कर लिया उसके बाद दे रहे हैं ना तो नया नहीं दे रहे हैं वही मिसवाक जो किया हुआ है वो दे रहे हैं इसी तरीके से दूध क्या प्याला तो क्या जैसे शोहर ने कोई चीज पी तो क्या झूठा जिसको बोलते हैं हम झूठा क्या झूठा खा सकते हैं पी सकते हैं एक प्लेट में आप खा लिए बच गया तो क्या किसी और को दे सकते हैं मिसवाक आपने किया आप अपनी अहलिया को दे सकते हैं अहलिया ने मिसवाक किया आप किसी और को दे, सक... बिल्कुल दे सकते हैं इसमें कोई हरज कोई मुजाका मुजाका नहीं है चाहे मिसवाक हो या खाने पीने की कोई भी चीजों हो बची हुई हो तो बकिया या बची हुई चीज खाना ऐप की बात या मायूब शय या गुनाह वाली बात बदखलाखी वाली बात नहीं है इसके बाद एक बड़ा अहम बाब आ रहा है जो है। इंद में हम पढ़ेंगे आ, बहुत अहम बाब है बताएंगे इन और पढ़ेंगे आ, उस बाब की हदीसों को अल्लाह से आखिर में दुआगो हूँ कि अल्लाह तलामी आदा को समझने की तोफ़ी अदा फरमाएँ अल्लाह ताला हमें इस्लामी आदाब को अपनाने वाला बनाए खुद भी बा अदब होकर जिंदगी गुजारने वाला और अपने बच्चों को अपने घर वालों को भी अदब सिखाने और तालीम देने की तोफ़ी हमें दे أمين وآخر ذا الحمد رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفارة المجلس برله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.